मैं दीप्ति शर्मा, आप आज आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। इसके पहले आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे बेटा अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलों आकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है बेटा? विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्रफल भूभाग में रहते हैं? आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप वहां से दूर तक एक विशाल मैदान में भी परिचित होंगे। और आप एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पर पर्वतीय ढलानों घाटियों की भांति भी परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग हैं। इस भूमि पर एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में ही भूकंप से इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में ही बने स्थल आकृतियां हैं। भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति की दर्शाती है, जिसे ऊंचे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज प्रवाह वाली नदियां हैं। हिमालय के पास मतलब हिमालय से बेटा इतनी सारी चीजें, मतलब वहाँ स्थल आकृति है जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, और वहां पर तेज प्रवाह में बहने वाली नदियां भी हैं। उत्तरी मैदान में जलोढ़ निष्पादन से बने हैं। प्रायद्वीप पठान आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी तथा ऊंची घाटियों से बना प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। आकृतियों के आधार पर भारत को निम्नलिखित भौतिक भागों में बांटा गया है। तो पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा है प्रायद्वीप पठार, और चौथा भारतीय मरुस्थल और तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। ये आकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है बेटा? 6 भागों, जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय की विश्व की सबसे ऊंची व बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु नदी को लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। जो हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची बलित पर्वत श्रृंखला से यह पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैली हुई है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई से धनुषाकार रूप लिए हुए फैला है उत्तर दिशा में। ठीक है बेटा, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। विस्तार तथा ऊंचाई के आधार पर यह हिमालय को 3 भागों में क्या करता है बेटा? बांटा गया है। तो पहला है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय सबसे ऊपरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान यांत्रिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। इसमें हिमालय का आंतरिक भाग ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह हमारे हमेशा बर्फ से क्या रहती है बेटा? ढकी रहती है, तथा बहुत सी हिमवाहिनियों का प्रभाव स्थित क्षेत्र में है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और नेपाल में स्थित कंचनजंगा 8,598 मीटर, नागा पर्वत, नांदा देवी, नमाचा, वरवा आदि भारत की प्रमुख पर्वत शिखर इसी क्षेत्र में हैं। दूसरा है बेटा मध्य हिमालय तथा हिमाचल। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है इस श्रृंखला को मध्य हिमालय तथा हिमाचल
कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील शैलों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच महाभारत श्रृंखला की महत्वपूर्ण है। इस भाग में कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। कहां पर बेटा? मध्य हिमालय हिमाचल में, हिमाचल में घाटियां स्थित हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसी पर्वतीय नगर मध्य हिमाचल में, मध्य हिमालय में क्या है बेटा? स्थित हैं। फिर है शिवालिंग श्रेणियां। शिवालिंग श्रेणियां हिमालय के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित हैं, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में दिए गए मानचित्र में इसकी स्थिति देखिए, मतलब बेटा एटलस में मानचित्र देखोगे तो आपको हिमालय पर्वत की श्रेणियां दिखाई देंगी। तो आपको किस में देखना है? एटलस में, भारत के नक्शे में देखना है। इन श्रेणियों का औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। श्रृंखला अवसादी शैलों से बनी हुई है। घाटियां नदियों द्वारा लाई गई बंजारी जलोट मिट्टी को मोटी पर्वतों से, मतलब मोटी परतों से ढका हुआ है। जो मिट्टी नदियों से बहकर आती है उसे अवसादी शैलों से बनी हुई होती है। वो सिरलांग के बीच लंबवत घाटी को दून भी कहा जाता है, जैसे देहरादून, कैथरी दून, पाटली दून, या आपने नाम सुने होंगे कभी बेटा, है ना? देहरादून का आप अक्सर ही नाम सुन लेते हैं। तो ये दून घाटियां कहलाती हैं। हिमालय पर्वत के मध्य में एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी क्या करता है? बचाता है। मतलब हिमालय पर्वत जो मध्य एशिया से बर्फीली हवाएं आती हैं उनसे भी हमें बचाता है। हिमालय पर्वत की सतत बहनी नदियां वन्य जीवों, औषधियों, रमणीक स्थलों, फसलों, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों के मिलने की भी संभावना है। फिर है उत्तर का विशाल मैदान। मैदान तीन प्रमुख नदियां प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निपेक्ष से बना है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वो इन तीन नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निपेक्ष से क्या है बेटा? बना हुआ है। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। 32,000 किलोमीटर लंबा एवं 150 से 300 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। यह लगभग एक सपाट मैदान है जिसमें उच्चवाचन बहुत कम अंतर है। मतलब जो उच्चवाचन का अंतर है वो कैसा है बेटा? कम है। यहाँ की जलवायु मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त जल पूर्ति कृषि कार्य के विकास हेतु बहुत सहायक है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तीन भागों में से क्या किया गया है बेटा? बांटा गया है। तो पहला है पश्चिमी मैदान, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है पूर्वी मैदान। तो पहला है बेटा पश्चिमी मैदान। तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है जो भारत के पश्चिम में है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है बेटा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका पश्चिमी भाग मरुस्थल है। तीसरा है बेटा प्रायद्वीप पठार। यह सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना का एक ऐसा भाग है जिसकी समुद्र से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यहाँ पर पठारी भाग तीन तरह से है। समुद्र से यह कैसा है बेटा? घिरा हुआ है। एक स्तर में वह तीन भाग से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीप पठार कहते हैं। इसका त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर दिल्ली और राजमहल की पहाड़ियों से उत्तरी मैदान तक, दक्षिणी सीमा पूर्व तक और पूर्व उत्तर पश्चिम से पश्चिम घाट तक बनते हैं। दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांटा है, मध्यवर्ती तथा दक्कन का पदार्थ। तो प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से हैं वो?
मध्यवर्ती भूमि तथा दक्कन का पठार। फिर है तटीय प्रदेश, प्रायद्वीप पठार कच्छ उड़ीसा तथा तटीय मैदानों का एक सक्रिय पट्टी से घिरा हुआ है। इस तटीय मैदान को इनकी बनावट में अंतर के कारण दो भागों में व्यक्त किया जाता है। तो पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर के सहारे गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। यह मैदान कैसे हैं, सक्रिय हैं? इन्हें उत्तरी भाग से कोंकण तथा गोवा के दक्षिण भाग से मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई 400 किलोमीटर है। यह नदियाँ छोटी और तेज बहने वाली हैं। इस क्षेत्र में उसकी बड़ी भी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम घाट में नदियाँ बहुत मुहान व ज्वारनंद मुख बनाती हैं। कच्छ और गुजरात के तटीय मैदान कैसे हैं, शुष्क हैं। फिर पांचवा है द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति अलग प्रकार की हुई। लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जो अरब सागर के केरल के तट पर और दूसरी दूर पर स्थित है। प्रबल निष्पक्षों से बने इस द्वीप को एटॉल कहा जाता है, जो ये हैं कि केरल के तट पर जो दूरी होती है उसके प्रलव होते हैं, जो निष्पक्षों से बने हुए थे उसे क्या कहते हैं बेटा, एटॉल कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनकी संख्या अधिक है। यह अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। यह देश मुख्य भाग से अधिक दूरी पर स्थित हैं। पर्वत श्रेणियों की शिखर इनमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भी बने हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की संख्या लगभग 300 है। कितनी है बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या? 300। यह द्वीप समूह लगभग 8,249 वर्ग मीटर में फैले हुए हैं। इन द्वीपों का समूह देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।